नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज शुरुआत करती हूँ हिंदी में व्लॉग बनाना। गुजराती व्लॉग बहुत दिन से बना रही हूँ, एक कमेंट भी आ रही थी और मैंने भी सोचा, बहुत से फॉलोअर कच्छ से बाहर है, गुजरात से बाहर के हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे हिंदी में। फिर आज शुरुआत तो कर रहे हैं, माता रानी को पैर छू लिया, दर्शन कर लिया, आज दिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो चलो जाते हैं रसोई में, क्या हो रहा है देखते हैं। तो रसोई में आटा गूंदा गया है, ये मोनू ने सब कुछ है, मोनू मेरी बेटी की बहू है, और देखो ये रोटी बनाएगी और मैं सब्जी भी बनाने की शुरुआत कर रही हूँ। तो चलो, तो देखो सब्जी में भरवा बैंगन बनाने के लिए बैंगन भी आए छोटे छोटे और परवड़ भी है। कल दृष्टि और मोनू बाजार गई थी तो लेकर आई है, परवड़ उसको अच्छा लगता है तो ले आई है, तो है बढ़िया है परवड़। तो आज हम बनाएंगे परवड़ की सब्जी। तो अच्छी तरह उसको धो डाला है यहाँ से, देखो मेरी सिंक भी दिखा रही हूँ, मैं यहीं धोती हूँ। तो चलो परवड़ की सब्जी बनाते हैं हम। तो परवड़ काटना किया है शुरू मैंने, बहुत दिन के बाद बनेगी मेरे घर में परवड़ की सब्जी। दृष्टि जब होती है तो नए नए सब्जी ढूंढ के लाती है, कभी परवड़ ढूंढ के लाती है, कभी ठेवस। काट रही हूँ, काट के बाद उसको पकाऊंगी, क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, वगारूंगी उसको। तो फ्रेंड्स मैं हिंदी सीख रही हूँ, बस समझ तो जाती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने की। तो हमारी भाषा में गुजराती बोल रहे हैं बाबा हिंदी, तो बाबा हिंदी में कर रहे हैं शुरुआत। मोनू भर पका रही है रोटियां और मैं बना रही हूँ सब्जी। अभी अनिल निकलेगा तो उसको टिफिन चाहिए, तो मैं फटाफट बना रही हूँ। और अभी नाश्ते की तैयारी हो गई है, तो देखिए यहाँ रोटियाँ वगारी है, हम बोलते हैं उसको, शाम की रोटी थी उसको वगार लिया है, नई रोटी भी है, दूध भी है, और अलग अलग खाखड़ा डब्बा दिख रहे हैं ना, और क्या बोलते हैं लकड़ियाँ। तो फ्रेंड्स अब मैंने परवड़ का सब्जी का वगार कर दिया है, तो अच्छी तरह भून लेंगे हम। ये पहले वीडियो नहीं कर सकी, इसमें दो चम्मच तेल डाला था, और हम अभी थोड़ा नमक डाल के ढक देंगे इसको। परवल का सब्जी को फ्राई करेंगे, अभी फ्राई करेंगे, भून लेंगे इसके द्वारा। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये 5 मिनट के लिए हम ढक देते हैं पकने के लिए। 5 मिनट हो गए, अब उसको खोलेंगे। तो देखो कलर भी इसका बदल गया है, इसमें नमक डाला था तो उसका नमक का पानी भी हो जाता और ज़्यादा था वराल भी होती है। अभी थोड़ी देर तक पकने देंगे इसको, और उस पर नालेंगे हम मसाला पर एक बार, अभी 2 मिनट तक पकने देंगे। देखो अपनी सब्जी पूरी तरह पक गई है, और उस पर डाल देंगे अभी मसाला। तो अभी इस पर मसाला कर देंगे, मैं ऐसे मसाला करती हूँ जब क्या बोलते हैं सूखी सब्जी बनाती हूँ, तो थोड़ी देर मसाले को पकने देंगे और हो जाएगी तैयार। कुछ ज़्यादा कुछ डालना ही नहीं है। 2 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और खाने के लिए हो जाएगी हमारी सब्जी तैयार। देखिए हमारा मसाला पक गया है, अब उसी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हमारी सब्जी हो गई है तैयार।
तो हो गया हमारा परवल का सब्जी तैयार। अब बाजरे की रोटला के साथ या गेहूं की रोटी के साथ खाएंगे। तो मित्रों खाना का हो गया और थोड़ा आराम भी कर लिया। दोपहर के 4 बज गए हैं। अभी जाना है मार्केट थोड़ा कुछ सामान लेने के लिए। तो अनिल के पापा साथ आ रहे हैं तो जाएंगे। देखो सब कुछ हो गया है काम। अभी बर्तन क्या करे, अच्छी तरह गुजराती में बोले छे के गोठवाना छे। अब मैं सीख रही हूँ ना, तो बाबा हिंदी भी करेंगे बोलेंगे, ठीक है ना। तो जा रही हूँ मार्केट में अभी अनिल के पापा के साथ, और कुछ जीवन जरूरत वस्तु फूट गई है तो लेकर आ रही हूँ। तो चलो चलती हूँ बाजार में। बाजार का तो वीडियो लेऊंगी ना या नहीं ले पाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। चलो तो अब चलते हैं बाजार। ये मेरी हिंदी वाला ब्लॉग आपको कैसा लगता है वो आपको बताना होगा वो कमेंट में, ठीक है ना। क्या बोला, हम भी चलेंगे आपके साथ में। हाँ सही है, ठीक है चलो। तो हो जाओ तैयार, तो आपको चलना ही पड़ेगा। पैदल तो मैं जाऊंगी नहीं, तो सिटी बस तो बंद हो गया, बहुत समय हो गया उसको सिटी बस बंद होने के। चलो फिर चलते हैं। अच्छा चलो चलो। हम आ गए आज हिंदी ब्लॉगर बनके। बाबा हिंदी है, हिंदी बोला तो मैं तो घड़े गुजराती बोला ये भाई बोल, बस मैं बाजार में उतार तो ना किसे नहीं उतार हूँ मैं, वो गुजराती हिंदी बोलते बोलते चाले 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 ने शुरुआत करी। हाँ तो देखो मैं सुख क्या लेकर आई हूँ बाजार से, के पापा वहाँ कटार गए थे उधर भाई, ये तेल लेने गए थे एक के बदले दो दो लिया। देखो अभी एक पैकेट नहीं चला, दो दो पैकेट लिया। आपको याद नहीं है मेरे को ये सब कुछ मालूम है के? साबुन लिया वो लिया, देखो चार चार लिया एक एक बदली में सब। तो ये क्या आरसीएम का जो मॉल है ना वो यहाँ से बहुत दूर है माधापुर, करीबन यहाँ से 8 किलोमीटर जितना होता है। तो बारी बारी तो नहीं जा सकते। और ये क्या 3 मेरे वॉशरूम है बाथरूम है, तो चारों में एक एक तो रखना पड़ेगा ना, इसलिए इसको 4 लिया। ये बोले इतना क्यों ले रही है, तो इसको खाएगी, खा तो जाऊंगी नहीं मैं, लिया है तो वही काम आएगा, बिगड़ेगा भी नहीं। ले लिया तो क्या बात करे, वो तो सही है लेकिन कपड़ा धोने के लिए पैसा मेरे खींचे में से जाता है क्या? पैसे की बात थी वो, तो ये उसने लिया है मैंने नहीं लिया है, मेरे साथ उसने भी नहीं लिया। और ये नहाने धोने का बाद साबुन लिया, देखो यार ये दृष्टि देखना ये कैसा है, सब ये किट ले लिया। और ये बच्चों के लिए पिपरमेंट छोटे बच्चे को मैं देती रहती हूँ, कभी फील्ड में जाती हूँ तो मेरी पर्स में भी ये रहती है। चिकनी हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, चिपचिपा हो जाता है वो तो देखते कैसा है, तो आइडिया आवे ना बाद में होएगा कैसा नहीं है। कहाँ है हमारी मोनू बेटी, कहाँ है ऊपर? तो चलो खाने का उसके क्या इंतजाम किया है देखेंगे, अभी 7:30 बजने वाले है, बेल बेल खाएंगे जो मिलेगा वो खा लेंगे। तो तैयार तो मिलता है, कितनी मजा है एक तो बारिश का मौसम है तो इसलिए तो सब कुछ ज्यादा लिया ना। देखो ये भी रह गया, ये सब आरसीएम से लिया है मैंने। चलो अलगोट भी ना के नहीं हिंदी में ऊपर रख देने का है, सभी फॉलोअर्स को बोलती हूँ मैं हिंदी में है ब्लॉग कैसा लगता है, मुझे शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको बताना है, ठीक है ना। बारी बारी वही बात बोलूंगी। तो देखो शाम को खाने में बन रही है भेल,
तो बेल के लिए मोनू ने क्या लिया? मोनू बोलो तो सही। मोनू आज हिंदी में शुरुआत की और तुम भी बोल नहीं रही हो। वैसे भी नहीं बोलती। तो ये क्या बोले, वगारे हुआ ममरा, उसमें डाल रही है आलू फ्राई किया हुआ। आलू और मिक्स करते करेंगे। ये क्या, प्याज कांदा। वैसे ममरा है उसमें पौवा भी है और सिंग भी है और टमाटर, सबको मिक्स कर देगी और उसमें चटनी पास में पड़ी है तो वो डाल देगी मिक्स करके। देखो चटनी डाल रही है खजूर इमली की, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती है। अब ज़्यादा डाली। और ये है कच्छ की प्रख्यात चटनी, लाल मिर्च और लहसुन की, जिसको चाहे वो ले लेंगे। ऊपर सेव भी पास में रखी हुई है, देखो। और दृष्टि निकाल रही है कटोरे में सेव। तो ये हमारी बेल कैसी लगी आपको देखना है, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी देखना है। शुरुआत कर रही हूँ, हिंदी मुझे बहुत बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कहना। अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है, और आपको बताना है हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।